ना मैं आज किसी का चंदन करने आया हूँ और ना ही मैं आज किसी का वंदन करने आया हूँ। मैं आज महाकाल की इस पावन धरती से माँ शिप्रा के जल की बौछार करते हुए भारत माँ के नौजवानों को पुनर्जीवित करने आया हूँ। 1950 में जब हमारा देश में गणतंत्र की स्थापना हुई तो उसी समय के आसपास चाइना ने भी अपना विकास की गति की शुरुआत करी थी। अंतर दोनों में यह था कि हम लोग मार्क्सवादी, जिसे समाजवादी विचारधारा कह सकते हैं, हम लोग उस विचारधारा से आगे बढ़ रहे थे और चाइना कम्युनिस्ट की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा था, यानी कि डिक्टेटर से तानाशाही विचारधारा पर बढ़ रहा था। जब आज दोनों देशों को हम लोग कंपेयर करते तो हम ये पाते हैं तकनीकी के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं चाइना से। तो मन में यह प्रश्न उठता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी समाजवादी विचारधारा उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा से कमजोर है? लेकिन फिर जब हम विश्व के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि अमेरिका भी समाजवादी विचारधारा पर कार्य कर रहा है, तो वो तो विकसित देश हो गया। तो ऐसा क्या है कि हम लोग देश को जितनी जल्दी विकासशील से विकसित होना चाहिए था नहीं कर पाए? मैं आमतौर पर कक्षा के दौरान देखता हूँ कि जब किसी छात्र को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो पूछने में शर्माता है। महोदय, इसका एक छोटा सा कारण है कि भाई मध्य प्रदेश में रहता है, उसे अंग्रेजी नहीं आती है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर दक्षिण भारत के लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पूर्वोत्तर वासी अंग्रेजी व स्थानीय भाषाएं, असम के लोग आसमी, उड़ीसा के लोग उड़िया, तो ये तो बताओ कि आप तो मध्य प्रदेश में रहते हो। अगर आप भी हिंदी नहीं बोलोगे तो हिंदी बोलेगा कौन? अरे हम तो हिंदू हिंदुस्तान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आखिर हमें हिंदी बोलने में कैसी शर्म? हम तो कहते हैं जी हाँ, हिंदी हिंदी हिंदी, और हम हिंदी बोलेंगे, कोई शर्माएगा नहीं हिंदी बोलने में। इस प्रांगण में भी हिंदी बोलेंगे, कक्षा के दौरान भी हिंदी बोलेंगे, और देश का प्रधानमंत्री जब हिंदी बोल सकता है तो हम भी हिंदी बोलेंगे। मैं आप सभी से एक बार कहूंगा कि पूरे जोर से बोलें, भारत माता की। पर मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस भारत माता की जय का मतलब क्या है? कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था इसी कॉलेज में, महाविद्यालय में, तो किसी ने, एक छात्र ने पूछा, कोई महानुभव आए थे उनसे, कि भाई साहब कि ये भारत माता की जय का मतलब क्या है? बचपन से सुनते आए हैं कि भारत माता की जय, लेकिन इसका अर्थ कोई बताए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। महोदय, भारत माता की जय का मतलब ये उन शहीदों की शहादत की जय है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये ऋषि मुनियों की तप की जय है जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया होने का गौरव दिलाया। ये उन महापुरुषों की जय है जिन्होंने पूरे विश्व में तिरंगे का परचम लहराया। ये उन माओं की जय है जिन्होंने 9 महीने तक हमें अपनी कोख में रखा, और सबसे महत्वपूर्ण ये उस भारत माता की जय है जिसकी छाती पर हम जीते हैं और जिसकी छाती पर हम मरते हैं। सभी एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। शपथ लेकर भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा, और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा। मुझे जहाँ कहीं भी जल थल या नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। वतन मेरे वतन।